वैशाख मास महात्म्य 23वां अध्याय। श्री श्रुतदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातः काल स्नान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता, पितृश्वर और ऋषियों के निमित्त तर्पण करे, उसने संपूर्ण वेदादि शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और सौ श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं, वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। यह तिथि देवता, ऋषि और पितृश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता, पितृश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई, वह भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उतथ्य के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बद्ध किकिनी शोभा दे रही थी। उसके कंकनों की झनकार ने मदोन्मत्त भ्रमर और कोकिलाओं के शब्दों को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए वह मधुर भाषिनी और मंद मंद हास्य युक्ता शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदृश पीना कुचों से अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील के कमल समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीठ और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए थी। उसे पर्यक पर शयन करती हुई देखकर इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पाव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और रोष के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके शाप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पाव से योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्मांध हो। तब दीर्घत माह पावों से वीर्य संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के शाप के भय से शीघ्र ही वहां से भागा। उसे भागते हुए देखकर संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी, दिक्पालों की विभूति और शंबरादि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे तो अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को न देखकर बृहस्पति के पास जाकर इंद्र का वृत्तांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। स्वामी के बिना हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। हे विभो, बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते हैं? हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र हो हम वही जाकर प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा तब बृहस्पति बोले कि रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उतथ्य के आश्रम में गया और वहां जाकर उतथ्य की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने उसकी बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वही पर शची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है।
बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देखकर उसके बल वीर्य का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्तोत्रों से उसे प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अथा तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुनकर इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भराया, जिससे मुख से कुछ भी न कह सका। यह दशा देखकर बृहस्पति जी बोले कि हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, यह सब पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। देव योग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते हैं और सुख से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करना उचित नहीं है। गुरु की बात सुनकर इंद्र ने कहा कि हे मानद, परस्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य रूप है। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान आदि करता है, निस्संदेह उसके सहस्रों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा बल, वीर्य और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बेरी इंद्र द्वारा स्नान दान आदि सद्धर्म कराने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो। जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्ववत शक्ति हो जाएगी, बल, वीर्य और यश भी पूर्ववत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्ववत बल और वीर्यादि बढ़ गए तथा परस्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है और वह देवताओं के मध्य पूर्ववत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग लेकर असुरों को जीतकर अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभवों से युक्त अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख तूर्यादि बाजे बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर गए और पूर्ववत यज्ञादि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है। यह देवता, ऋषि, पितृगण सबको संतोष देने वाली है। अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। यह अक्षय तृतीया मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है।